मुसलसल तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। 1 सितंबर से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल के नरखों में फी लीटर 5-6 रुपए तनसुली का तखमीना लगाया गया है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी मार्केट में तेल की कम कीमतें हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराए ने बताया कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान $2.30 फी बैरल गिरी है। हतमी शरह तबादला का हिसाब किताब लगाने और मौजूदा टैक्स चरों पर पेट्रोल और डीजल के निरखों में 5 रुपए से 5.50 रुपए तनजुली का इम्कान है। हुकाम ने बताया कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की औसत कीमत $82.50 फी बैरल से गिरकर $80.40 फी बैरल पर आ गई है। इसी तरह डीजल $90.30 फी बैरल के मुकाबले में $88 फी बैरल रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा 15 दिन के दौरान पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम तकरीबन 50 सेंट फी बैरल तनसुली के बाद $8.50 फी बैरल हो गया है, जबकि डीजल के लिए ये $5 फी बैरल पर बरकरार है। उधर करेंसी की कदर में 15 हफ्ते के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 25 सेंट बढ़ी। एक्सडिपोर्ट पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 260.96 रुपए और डीजल की कीमत 266.07 रुपए फी लीटर है। 14 अगस्त से नाफिसुल अमल कीमतों के तायुन के 14 अगस्त से नाफिसुल अमल कीमतों के तायुन के आखिरी जायजे में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 8.47 रुपए और 6.70 रुपए फी लीटर कमी कर दी थी। इसी तरह गुज़िश्ता 2 बार पेट्रोल और डीजल के निरखों में कुल कमी बिलतरतीब 14.64 रुपए और 17.56 रुपए फी लीटर हो गई। 31 जुलाई को 6.17 रुपए और 10.86 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया था। हुकूमत ने अगले माली साल में 12.80 खरब रुपए इकट्ठे करने के लिए फाइनेंस बिल में पेट्रोल लीवी की ज्यादा से ज्यादा हद बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर कर दी थी, जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान 10.19 खरब रुपए वसूल किए गए थे, जो 869 अरब रुपए के हदफ से तकरीबन 150 अरब रुपए ज्यादा है। इस वक्त हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 78 रुपए फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स GST 0 है। हुकूमत ने दोनों मसनूआत पर 60 रुपए फी लीटर लीवी वसूल कर रही है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 18 रुपए फी लीटर कस्टम ड्यूटी भी ले रही है। मजीद बड़ा ऑयल कंपनियों और उनके डीलर्स को फी लीटर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल मार्जिन की मद में तकरीबन 17 रुपए जा रहे हैं।